मुजफ्फरपुर के सुधा डेयरी से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी यहाँ के दो पंचायत कोलुआ और सारदपुर के लोगों के लिए नासूर बन गया है। पहले तो यह गंदा पानी यहाँ के लोगों के खेतों को बर्बाद किया, पेड़ पौधे कितने सूख गए। अब यह सुधा डेयरी का गंदा पानी बस्तियों में लोगों के घर तक पहुँचने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। अब स्थानीय मुखिया और पंचायतवासी आंदोलन की चेतावनी दी है। सुधा डेयरी का यह केमिकल युक्त पानी दोनों पंचायतों में लोगों के घरों तक पहुंच गया है। लोगों के घरों के आगे पीछे हर जगह यही केमिकल वाला पानी देखने को मिल रहे हैं। पौधे सूख जाते हैं, कोई फसल नहीं होती है, मवेशी बीमार होकर मर जाते। कोरोना का डर तो है ही, अब इस केमिकल वाला पानी से लोगों के बीमार पड़ने का डर सताने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यह सुधा डेयरी ऐसा कर रहा है, अभी तक इस पर रोक नहीं लगाया गया है। अब सर से पानी बहने लगा है। लॉकडाउन समाप्त होते ही सुधा डेयरी के मुख्य द्वार को बंद कर आंदोलन किया जाएगा और काम नहीं करने दिया जाएगा जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता। अब कोरा आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। हमारे सदातपुर पंचायत में यहाँ जो सुधा डेयरी प्लांट आप देख रहे हैं और उसका जो अविष्ट पानी है उसके कारण आप देख सकते हैं कि कितना जल जमा हुआ है और कई एक वर्षों से ये मूलभूत समस्या है। तो हम लोग सुधा डेयरी का गेट जो है घेरने का काम करेंगे, उसके कार्य को जो है बाधा हम लोग करेंगे जिससे कि कार्य ना हो, और जब तक कार्य नहीं रुकेगा तब तक जो है इस समस्या का जो है निवारण भी नहीं होगा। हम लोगों ने यही कहा उनसे कि देखिए अब तो लीची मेरा गया, जिस लीची का पैदावार से हम सब परिवार हमारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, वह हम लोगों की रोजी रोटी है, वो तो गया ही। अब घर में पानी अगर वह दूषित पानी घुसेगा तो हम लोग सब लोग बीमार हो जाएंगे और बीमार हैं भी। इतना मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है और प्रशासन को क्या, डेयरी प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को भी इससे अवगत कराया गया है, अखबार के माध्यम से भी बराबर उन लोगों को सूचित कराया गया है, लेकिन इन लोगों ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब हमने सुधा डेयरी के प्रबंधक से बात की तो पहले तो उन्होंने बरसात के पानी का बहाना बनाया, फिर वही घिसा पीटा पुराना रटा रटाया जवाब जो पहले से तैयार रहता है वो बताया। आप भी सुनिए कि सुधा डेयरी के प्रबंधक ने क्या कहा। जो भी हमारे यहाँ डेयरी से पानी निकलता है उसको हम स्वतः यहाँ ETP प्लांट में उसको स्वच्छ करते हैं और उसको बाहर हम उसको डिस्पोजल करते हैं। और पानी को कम करने के लिए हमने जो यहाँ से कैन में जो दूध संग्रहण करते थे उसको तुर्की ले गए। अब तुर्की में हमारा दूध का संग्रहण होता है तो लगभग 10,000 लीटर जो पानी प्रतिदिन निकलते थे उसको हमने बंद कर दिया। कुछ दूध का पैकिंग हम लोग मोतिहारी में एक डेयरी बना करके और वहाँ पैकिंग कर रहे हैं तो उससे भी पानी का जो निकलता था उससे भी कम हो रहा है। तो इस डेयरी पर पानी का लोड हम लोग लगातार कम कर रहे हैं और हम यहाँ के ग्रामीणों को यह आश्वासन देते हैं कि आने वाले दिनों में हम जो भी पानी निकलेगा हम स्वयं उसका तालाब बनाकर उसका संरक्षण करेंगे, उसका सफाई करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सुधा डेयरी के प्रबंधक की बातों से लग रहा है कि इस केमिकल युक्त पानी को लेकर गंभीर नहीं है वो। ऐसे में स्थानीय लोगों और पंचायत जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन और काम बंद करने की चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा है कि चेतावनी का असर नहीं हुआ तो आमने सामने लड़ाई होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट SDF न्यूज मुजफ्फरपुर।